वीडियो वर्क के दूसरे भाग में देखते हैं हम आगे। रबी की फसल कब उगाई जाती है, रबी फसल की परिभाषा क्या है? तो पहला प्रकार लिखा था हमने रबी की फसल, वह फसल जिसे शीत ऋतु में उगाया जाता है रबी की फसल कहलाता, जैसे गेहूं है, सरसों है, सोयाबीन है, दूसरा प्रकार का खरीफ की फसल, तो वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है खरीफ की फसल कहलाता, जैसे उदाहरण के लिए बाद जो इसे नाम रखता है खरीफ की फसल, इससे शब्द बन सकता है गरीब की फसल, कि जो अधिकांश कम पैसे वाले लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो अधिकतर खरीफ की फसल को ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके पास में उपयुक्त साधन नहीं होते हैं, उपयुक्त तो पैसा नहीं होता है, इसलिए वो अधिकतर क्या करते हैं, खरीफ की फसल का इस्तेमाल करते हैं। अरे देखिए, इसके बाद आते हैं कृषि पद्धतियां। अब कृषि पद्धति क्या होती है, कि किसान जब भी फसल उगाता है तो फसल उगाने की प्रक्रिया के दौरान वो खेत में कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करता है, जैसे मिट्टी तैयार करेगा, उसमें खाद देगा, सिंचाई करेगा, निराई करेगा, गुड़ाई करेगा, बीज देने की क्रिया है, फसल पकने के बाद उसकी सुरक्षा करना है, फसल को काटना है, खरपतवार से रक्षा करना है, ये सारे जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो सब क्या कहलाता है, कृषि पद्धति। तो फसल उगाने की, फसल उगाने की क्रिया में किसान द्वारा किए गए क्रिया कला कृषि पद्धतियां कहला, फसल उगाने की जब क्रिया होती है, जब फसल उगाया जाता है और फसल पककर तैयार होती है, तब तक किसान कुछ ना कुछ खेत में क्रियाकलाप करता है, और क्रियाकलाप को हम क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियां कहते हैं।
जो भी आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, आपने किसी प्रकार के लिए आपको कोई समस्या है तो आप ऊपर मोबाइल नंबर दिए गए हैं, इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, पढ़ाने का तरीका, पढ़ाई की स्टडी मटेरियल अच्छा लगा है तो आप यूट्यूब चैनल पर आप उसको लाइक कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट या कमेंट होता है जिसको आप डायरेक्टली आप व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं इन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे जो कृषि पद्धति इसके चरण क्या है, कृषि पद्धति के चरण कि किसान जब खेत में फसल उगाता है तो ऐसे कौन कौन से क्रियाकलाप करता है जो फसल उगाने की क्रिया में होते हैं। देखिए सबसे पहला क्रियाकलाप, चाहे लगातार खेत में फसल उगाते रह रहे हैं या कुछ साल बाद में या कुछ महीने बाद फसल उगा रहे हैं, तो हमेशा चाहे कैसा भी प्रकार की मिट्टी हो, कुछ भी हो, हर कंडीशन में किसान पहला काम जो करता है उस काम को हम कहते हैं मिट्टी तैयार करना। कृषि पद्धति का फर्स्ट पहला चरण क्या होता है, मिट्टी तैयार करना। भाई अगर एक महीने के लिए या दस दिन के लिए भी हम खेत को खाली छोड़ देते हैं तो हो सकता है कुछ आवश्यक अनावश्यक तत्व जो है उसमें पहुंच जाए, कुछ उसमें ऐसी कमियां आ जाती है जिसके कारण से सब मिट्टी जो है अच्छी फसल का उत्पादन नहीं कर पाती है। तो हर कंडीशन को देखते हुए सबसे पहला काम जो किसान करता है वो होता है मिट्टी तैयार। अब मिट्टी तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अलग अलग प्रकार के कई चरण अपना सकता है, ट्रैक्टर चला के वो गुड़ाई कर सकता है। मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया में पहले वो खेत में खाद दे सकता है, मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया में पहले वहां से खरपतवारों को वहां से हटा सकता है। कई अलग अलग प्रकार के चरण होते हैं वो इसमें तैयार किया है। तो पहला प्रकार क्या माना, मिट्टी तैयार करना। क्या देखें दूसरा, बुआई करना। भाई मिट्टी तैयार कर दी, ट्रैक्टर चला दिया जिसके कारण सब मिट्टी उथल पुथल हो गई, मिट्टी हल्की और पोली और छिद्रदार हो गई। अब क्या करेगा किसान, उसमें बीज बोएगा और बीज बोने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, बुआई। तीसरा, खाद में उर्वरक देना। अब कुछ किसान लोग तो क्या करते हैं, अगर मिट्टी की कंडीशन ज्यादा खराब होती है तो मिट्टी तैयार करने की जो फर्स्ट पहली प्रक्रिया है उस दौरान ही खाद डाल देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरी बार भी खाद देते हैं ताकि जो हमने फसल के बीज बोए हैं उनको अच्छी वृद्धि और अच्छा उपजाऊपन मिल सके। नंबर चार पर आता है सिंचाई करना। भाई हमने फसल उगा दी, खाद दे दिया या उर्वरक दे दिया, अब फसल को अच्छी वृद्धि करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, तभी जाकर वो अच्छी प्रकार से वृद्धि कर पाते हैं और फसल को उपयुक्त मात्रा में जल देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई करना कहलाता है। पांचवा चरण है हमारा खरपतवार से सुरक्षा। अरे खरपतवार क्या होता है कि जब फसल उग जाती है तो मुख्य फसल के पौधों के साथ कुछ ऐसे अनावश्यक पौधे भी उग जाते हैं जो फसल की वृद्धि के लिए रुकावट पैदा करते हैं, या कह सकते हो कि मुख्य फसल में के उत्पादन में बाधा पैदा करते हैं। तो कुछ उगने वाले ऐसे अनावश्यक पौधों को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो किसान क्या करता है कि खेत में गुड़ाई करके, निराई गुड़ाई करके, या कह सकते हो कि भाई खुरपी से पेड़ों को या तो काट देता है अनावश्यक पौधों को, या हाथ से पकड़ के काट के फेंक देता है। इस प्रकार से किसान क्या करता है कि मुख्य फसल की खरपतवार से सुरक्षा करता है। नंबर छठा आता है कटाई। भाई खरपतवार सुरक्षा हो चुकी है, फसल पककर तैयार हो चुकी है, इसके बाद में किसान क्या करता है, फसल को काटने का समय जब आता है उसकी कटाई करता है, और कटाई करने के बाद में अगला चरण आता है हमारा भंडारण। किसान पकी फसल को काट कर खेत में कुछ
एक या दो दिन के लिए छोड़ देता है ताकि इसमें उसके बीजों में या फसल में जो नमी होती है वो बाहर निकल जाए। और जब वो नमी बाहर निकल जाती है तो किसान क्या करता है, फटी फसल के बीजों को बोरी के अंदर या किसी भी पात्र में भरकर वो क्या करता है, भंडार करता है, इकट्ठा करता है और उसको एक उपयुक्त स्थान पर रख देता है ताकि वो किसी प्रकार के कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रह सके। तो ये कुल मिलाकर जो सात चरण थे ये कृषि पद्धति के चरण कहलाते हैं। पहला चरण है मिट्टी तैयार करना, दूसरा चरण है बुआई करना, तीसरा है खाद या उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई करना, पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा करना, छठा है कटाई करना और सातवा है भंडारण। इन सात चरणों के माध्यम से एक अच्छी फसल का उत्पादन किसान के द्वारा किया जाता कार्य। आज के वीडियो में इतना ही, कल से हम इन कृषि पद्धति के जितने भी चरण हैं इन चरणों की आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से किसान बुआई करता है, ये सभी बातों को आप अगले वीडियो में देखेंगे। यह पुनः से कहा जा रहा है कि जितने भी लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो सब अपनी नोटबुक में या जो पढ़ाया जाता है उसको उतारते रहे। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज। उसके अलावा यदि हमारा ये पढ़ाई का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप यूट्यूब पर इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।